क्या वो नहीं है टमाटर सेट करती कैसे? मुझे पता है उसमें वॉल्यूम आपका होता है ना, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होती, लिमिटेड होती है। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड दोज हू ऑल आर न्यू। हाय, माय नेम इज संध्या एंड आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ आर्टिस्ट्री के ये तीन प्रोडक्ट्स। तो ये है पॉलिशिंग स्क्रब, जेल क्लेंजर और ये लाइट लोशन। तो इनके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करना। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। ये है हमारा प्रोडक्ट और ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है एंड ये है एसेंशियल बाय आर्टिस्ट्री जेल क्लेंजर और साथ ही में इसमें टोनर भी है। तो ये आपके डर्ट और इम्प्योरिटीज़ निकालने के बाद ना आपकी स्किन को टोन भी करता है, मतलब आपको टोनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें टोनर भी है एंड इसकी जो MRP है वो है 1295 रुपीज़ एंड ये है 125 ml। तो इस टाइप की ट्यूब पैकेजिंग में आता है और ये हमारे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज़्यादा तो नहीं, बट ऐसी रनी सी एंड जेल फॉर्म में है और बहुत अच्छे से वर्क करता है। उसकी जो फ्रेगनेंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा रिच है, मतलब बहुत, आप एक बार अगर खुद से फील करोगे तो बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है। जेल क्लेंजर और फेस वॉश में ये डिफरेंस है कि जब हम कोई भी मेकअप लगाते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा डर्ट या इम्प्योरिटी से बाहर से कहीं आते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने फेस को अच्छे से क्लीन करते हैं। जब मेकअप लगाए तो मेकअप रिमूवर से या फिर कोई भी वाइप से रिमूव करते हैं, देन उसके बाद हम फेस वॉश करते हैं। लेकिन इसमें आपको सिर्फ यही यूज़ करना है, इसके बाद आपको कोई फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, ना इससे पहले आपको कोई भी मेकअप रिमूवर लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरी जितनी भी आपकी पोर्स में इम्प्योरिटीज़ गई होती है या फिर डर्ट होती है या फिर मेकअप के रेसिड्यू कोई रह जाता है तो उसको अच्छे से रिमूव करता है। मतलब मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो उसके बाद ही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ अपने एक्सपीरियंस। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो क्लेंजर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वो आपके स्किन बैरियर को मॉइस्चराइज रखता है एंड हेल्दी रखता है। क्लेंजर इज़ अ मोर हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग दैन योर टिपिकल जो फेस वॉश होते हैं उससे ज़्यादा, एंड साथ ही बहुत ही ज़्यादा जेंटल होता है, मतलब उतना हमारा फेस वॉश भी नहीं होता है एंड सोप भी नहीं होता है। तो सेंसिटिव स्किन है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड हम प्रोडक्ट जो है वो हमारा ये है एसेंशियल बाय आर्टिस्ट्री लाइट लोशन। तो ये इस टाइप की पैकेजिंग में, इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये पम्प पैकेजिंग में आता है जो कि बहुत अच्छा होता है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और इसका जो आप टेक्स्चर आप देखो बहुत ज़्यादा, एक तो लाइट है, नाम ही उसका लाइट लोशन है तो ये बिल्कुल भी पता नहीं चला और एकदम से एब्जॉर्ब भी हो जाता है, आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगता। और इसकी जो फ्रेगनेंस है ना वो, मतलब तीनों जो प्रोडक्ट है ना तीनों की जो फ्रेगनेंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा रिच है, मतलब उसको लगाने के बाद बहुत अच्छी सी इसकी फ्रेगनेंस बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा रिच है। जब आप एक बार इसको यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा, ऐसे तो फ्रेगनेंस आपको पता नहीं चलेगी। MRP है वो है 1239 रुपीज़ एंड ये है 50 ml। तो पहले तो इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है ना उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है वो है कुकुम्बर एंड ग्रीसलिन जो कि हमारी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट रखता है, और इसमें है हेज़लनट जो कि हमारे स्किन के जो ओपन पोर्स होते हैं ना उसको ये मिनिमाइज़ करता है। तो उससे क्या होता है ना, हमारी स्किन का जो अपीयरेंस है ना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप एक बार खुद से नोटिस करना, अगर जो पोर्स होते हैं ना वो बड़े होते हैं तो इतनी अच्छी नहीं लगती स्किन, चाहे आपकी स्किन में पिंपल्स हो चाहे ना हो। लेकिन वहीं अगर आपकी स्किन मिनिमाइज़, आपके जो पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज़ रहते हैं तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब आपको फिर कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर पोर्स ओपन रहते हैं तो स्किन अच्छी नहीं लगती है। साथ ही में इसमें एलोवेरा जो कि एंटी इरिटेंट होता है, मतलब हमारे स्किन में कोई भी अगर इरिटेशन हो गई, कोई भी कुछ भी हो गया हो तो ये हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट है, बहुत ही ज़्यादा लाइट है, आप देख सकते हो। तो ये हमारे ना पोर्स को क्लॉग नहीं करता है, जिससे कि हमारी स्किन को बहुत अच्छे से ऑक्सीजन मिलता है एंड पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उससे हमारी स्किन हेल्दी रहती है। दूसरी चीज़ ये कि ये आपकी स्किन को बहुत देर तक हाइड्रेट रखता है और इसको लगाने के बाद ना आपको अपनी स्किन सच में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फील होती है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फील होती है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है ना तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना है इसको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। आपको लगाने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि ये हमने कुछ लगाया है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। क्योंकि ऑयली स्किन वालों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो उनकी स्किन और ज़्यादा ऑयली लगने लग जाती है, लेकिन इसके साथ बिल्कुल भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखना। और इसकी फ्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि इसके जितने भी अभी तक मैंने यूज़ किए हैं प्रोडक्ट, उनकी जो फ्रेगनेंस है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है ये हमारा आर्टिस्ट्री का पॉलिशिंग स्क्रब। तो ये इसकी पैकेजिंग भी जेल क्लिनजर की तरह ही है एंड ये भी ट्यूब फॉर्म में है, और प्रोडक्ट हमारा ऐसा है कुछ। इसकी भी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है और ये ऐसे जेल बेस है, और इसमें जो बीड्स आपको दिख रहे हैं ना बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं एंड इसके छोटे एंड बहुत ज़्यादा जेंटल हैं। और ये जोजोबा बीड्स होते हैं जो कि हमारी स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करते हैं, विदाउट आपको स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करते हैं। बहुत ही अगर आप जैसे बोलते हैं कि विंटर्स में हमें एक्सफोलिएशन ज़्यादा नहीं करना चाहिए जिससे हमारी स्किन ड्राई होती है, लेकिन जो बीड्स है ना बहुत ही ज़्यादा जेंटल है एंड ये बहुत ही मतलब आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप क्या स्क्रब कर रहे हो, बहुत अच्छे से स्क्रब करता है एंड आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता। तो विंटर्स के लिए बहुत ही अच्छा स्क्रब है ये। तो एक्सेस ऑयल होता है उसको रिमूव करता है, और जितनी भी डर्ट इम्प्योरिटीज़ होती है उसको रिमूव करता है, एंड साथ ही में आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से पॉलिश कर देता है। मतलब इसका नाम ही पॉलिशिंग स्क्रब है, तो सेम वैसे ही आपकी स्किन को बहुत अच्छे से एकदम इसका जो टेक्स्चर आप देखोगे ना उसके बाद इसको यूज़ करने के बाद आपको खुद से फील होगा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल अभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने अभी एक्सफोलिएशन अपनी स्किन पे स्क्रब किया है। बहुत ही ज़्यादा जेंटल होता है स्किन पे, जिनकी ड्राई स्किन है और विंटर्स में ना बहुत अच्छा ऑप्शन है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। जो MRP है वो है 1499 रुपीज़ एंड क्वांटिटी 125 ml है। आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होगा तो आप मुझे मेल या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।